हेलो दोस्तों, मैं धनंजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेट में। दोस्त, आज के इस वीडियो में डेरिवेटिव के लिए वीडियो नंबर 12 देखेंगे। इस वीडियो में हमने जैसा कि आपसे कहा था पीछे वाले वीडियो में, आपको याद कर लेना है वो सारे फार्मूला, क्योंकि उन सारे फार्मूला का यूज़ इस वीडियो में होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइंस बना लिया जाए और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लिखिए अपने दोस्त कॉपी पर स्टार देकर, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अपने कॉपी पर स्टार देकर यह बात फटाफट लिख लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये सारे फार्मूला का यूज इस वीडियो में होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहला जो फार्मूला है वो सुनिएगा गौर से। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी अगर y इक्वल है साइन इनवर्स x के, देन इसका जो dy by dx है वो इक्वल हो जाएगा आपका, मैं बता दूँ बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, हो जाएगा 1/1 x2। अब सुनिएगा एक बात, यहाँ पर इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना y के जगह पर क्या आया है, चाहे एक और लाइन लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो, d y के जगह पर क्या है साइन इनवर्स x है, तो इधर लिख दिया साइन इनवर्स x by dx। यानी आज से लाइफ में एक बात याद रखिएगा, d साइन इनवर्स x by dx इज इक्वल टू 1/√1 − x2। बात समझ आई यहाँ तक? चलिए और कुछ और फार्मूला देखते हैं। ओके, जैसे हमने लिखा दोस्त, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, देन dy by dx अगर मेरे को निकालना है, तो सुनिएगा यहाँ पर y, अब हर बार मैं इसको नहीं रखूँगा क्योंकि आप समझ गए हैं कि y का मतलब है ये वाला फंक्शन को यहाँ पर पुट करना। इज इट क्लियर? तो ऐसे में इसका क्या हो जाएगा, −1/√1 − x2। क्लियर है बात? मतलब ये जैसे साइन का हो जाता है ना 1/√1 − x2, वो प्लस में था और ये हमारा माइनस में है। सिंपल। अब हम और आगे बात कर लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन dy by dx इज इक्वल टू, सुनिएगा फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये कहा दोस्त कि यहाँ पर मैं y के जगह पर tan नहीं रिप्लेस कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रख, मतलब आप रख सकते हैं, तो ऐसे में इसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/1 + x2। ये समझ आया? तो इसी प्रकार से अब तीन मैंने लिखा, अभी और तीन बाकी है, तो इसको फटाफट कर लीजिए कॉपी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जो कुछ फार्मूला है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। इफ़, बार बार मैं कह रहा हूँ सब फार्मूला का यूज तुरंत होने वाला है। इफ़ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, देन dy by dx। अब सुनिएगा एक बात, dy by जो dx मैंने लिखा, तो यहाँ पर y को आप ये रख सकते हैं, यानी समझ रहे हैं ना फाइनल बात? बहुत अच्छा, यानी आप याद रखिएगा आज से लाइफ में फार्मूला −1/1 + x2 होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज ऑल्सो इक्वल टू 1/1 + x2। बस यहाँ पर माइनस लगा देना है, समझ आया ना? तो सेम होता है, टेन के जैसा ही होता है, टेन इनवर्स के जैसा ही। आगे, इफ y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, देन dy by dx इज इक्वल टू, देखिएगा इसमें भी वही होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, वो ये कि 1/x पहले लिख देंगे, फिर √x2 − 1। बात समझ आई? तो बोलिए, कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। और मैं बता दूं दोस्त, जो भी वैल्यू होगा x का ना, वो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। इफ y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, देन dy by जो dx हो जाएगा आपका, बस माइनस सिंबल लगा करके एज इट इज लिख देना है, और यहाँ पर भी कंडीशन फुलफिल होगा कि जो x का वैल्यू है वह ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी यहाँ तो मैंने अभी दो सारा केवल फार्मूला लिखे हैं, अब मैं इन सारे फार्मूलों में से एक को प्रूफ करूँगा
और आप सभी को प्रूफ कर सकते हैं इजी वे में। और अगर प्रूफ नहीं हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी फॉर्मूले को प्रूफ करके दे दूंगा। तो मैं हट रहा हूँ, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके लिखना है तो उसको लिख लीजिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ओके दोस्त, अब हम फार्मूला, जितने भी फार्मूला मैंने लिखा, छः फार्मूला लिखा ना आपके सामने, उन छः में से मैं एक का प्रूफ दूंगा और बाकी के पाँच आप खुद से कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फटाफट। तो सबसे पहले लो दोस्त, अपने कॉपी पर स्टार देकर लिखिए एक बार, इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे को प्रूफ करना है। ओके तो इतना समझ आ गया कि करना क्या है, मतलब y जो है वो अगर साइन इनवर्स x के इक्वल है तो मेरे को साबित करके लाना है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये गजब का फॉर्मूला मिलेगा, और प्रूफ करने का साथ साथ आपका जना जो जज्बा है ना वो ऊपर उठ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ इसको लिखेंगे दोस्त, सिंस y जो है वो इक्वल है साइन इनवर्स x के, y किसके इक्वल है दोस्त, साइन इनवर्स x के। तो यहाँ से हमें काम कर सकते हैं कि जो x है वो बोल सकते हैं ये हमारा x है वो साइन y के बराबर है, यानी सिंपल सुनिएगा, ये इनवर्स में था तो आ करके सिंपल में हो गया, इधर आया तो क्या में हो गया, सिंपल में हो गया। अब जो बात लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, एक हिंदी में बात लिखेंगे दोस्त, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ अब हम x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे। तो जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dx एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि देखिए d अरे यहाँ पर फंक्शन लिखा जाता है ना, तो फंक्शन हमारा क्या है x, और नीचे तो dx लिखेंगे ही लिखेंगे। इज इट क्लियर? आप सुनिएगा d साइन y, अब सुनिएगा यहाँ से गौर से, इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग यहाँ पर गलती लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं dx, और ये बहुत ही बड़ा गलती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हमारा अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y, जब तक मैं y नहीं लिखूंगा ये हमारा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, इसलिए y लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पर लिख दीजिए dy वाई बाई डी एक्स, बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बहुत बार सिखाया है दोस्त, dx एक्स बाई जो dx एक्स होता है वह 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। और ये भी मैंने आपको सिखा रखा है d साइन y बाई डी वाई इक्वल हो जाता है आपका cos y का गुना में dy वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक बात बनी कि नहीं बनी? बनी ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, dy वाई बाई डी एक्स को पहले लिख लिया। अब उसके बाद देखिएगा ये 1 का 1, और इधर देखिए ये गुना में है, इधर आ गया तो भागा में हो जाएगा, यानी 1 बाई कॉस वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम एक बात लिखेंगे दोस्त, क्लास टेंथ में एक बात हमने पढ़ा था, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं जो कॉस वाई होता है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के, ये बात पता है कि नहीं पता है? इतना सभी डाउट है कमेंट कर देना एकदम फटाफट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं। यानी हमें एक बात पता है, जो cos y है वो इक्वल है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के। अब सुनिएगा आगे की कहानी, 1 माइनस साइन वाई किसके बराबर दोस्त, साइन वाई एक्स के बराबर है, तो एक्स का क्या करना है दोस्त, आंसर स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर कर दिया तो काम बन गया। अब सुनिएगा आगे, अब फाइनल लिखेंगे, नाउ देखिएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है 1 बाई जो डी, सुनिएगा इधर नीचे क्या लिखना है, cos y, तो cos y किसके बराबर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो मैं इसके जगह पर लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। मेरे को क्या करना था, आंसर यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। आप दोस्त इसी प्रकार से अन्य सारे फॉर्मूलों को इजी वे में प्रूफ कर सकते हैं, और अगर इतना सा भी डाउट होगा ना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण सीखेंगे, टाइपल्स करके सिखाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूरा बेनिफिट करेगा, फटाफट कर लीजिए कॉपी। अब ओके दोस्त, आइए अब हम कुछ अब टाइपाइज करके एग्जाम्पल सीखेंगे, जो कि एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए फटाफट कर लेते हैं, अपने कॉपी पर लिखिए दोस्त टाइप वन, क्या लिखिएगा टाइप वन। टाइप वन में क्या सीखना है दोस्त, सुनिएगा गौर से। हमने कहा इफ
क्वेश्चन में बोला है मेरे को इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x देन फाइंड dy by dx। मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो y है वो इक्वल है साइन इनवर्स x के प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। मेरे को ज्ञात क्या करना है, आंसर है dy by dx ज्ञात करना, सिंपल बहुत इजी। सबसे पहला बात सॉल्यूशन में लिखेंगे कि y, सिंस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसके बाद और एक बात हमें पता है दोस्त, कल हमने आपको पढ़ाया था, लिखेंगे सिंस वी नो दैट हम एक बात जानते हैं दोस्त कि जो साइन इनवर्स x है प्लस जो कॉस इनवर्स x है वह इक्वल है पाई बाय टू के। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप ये जानते हैं तो देखिएगा क्या होगा, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई बाई टू, यानी इतना के बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब एक बात लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में अवकलन लेंगे। अब सुनिएगा एक इम्पोर्टेंट बात, ये दोस्त कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ये बात मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा है आपको, अगर नहीं पता होगा जिनको जिनको तो लिख सकते हैं डी के बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर के इज कॉन्स्टेंट, यानी जो डी के बाई डी एक्स है वो जीरो के बराबर होता है जहाँ के क्या है, एक नियतांक है, एक क्या है नियतांक है, एक नियतांक है, बात समझ आई। तो उसी तरीके से ये भी एक कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है इसलिए हमारा जो dy by dx है वो इक्वल हो जाएगा, बोलिए किसके, बहुत अच्छा जवाब, जीरो के। कोई दिक्कत है लाइफ में, बोलिए नहीं, तो ये फटाफट कर लीजिए कॉपी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तब तक इतना कॉपी कीजिए और एक उदाहरण देखें। ओके दोस्त, आइए अब हम कुछ और उदाहरण सीखेंगे और मुझे उम्मीद है अब आप लोग कमाल कर देंगे इस क्षेत्र में। तो देखिएगा फटाफट मैं लिखता हूँ, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x देन फाइंड dy by dx। ऐसा है कि मेरे को दे रखा है कि जो y है वो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x के इक्वल है, देन मेरे को फाइंड करना है dy by dx। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग ये ऑलरेडी कर लेंगे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप ये बहुत इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तो मैंने बताया। सबसे पहले बात लिखेंगे, चूंकि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब लिखेंगे सिंस जो tan इनवर्स x है प्लस जो cot इनवर्स x है वो किसके बराबर होता है, आंसर है पाई बाई टू के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू के इक्वल होता है। समझ आया बात, तो बोलिए इसलिए लिखेंगे y इज इक्वल टू पाई बाई टू। कोई लाइफ में दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, नहीं है आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों तरफ अवकलन लेंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है इसलिए जो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो फटाफट रिजल्ट रहा हमारा जीरो। यहाँ तो कोई लाइफ में छोटा सा भी प्रॉब्लम हो बड़ा सा भी प्रॉब्लम हो फटाफट कमेंट करिए, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि आपको पढ़ाऊँगा ऐसा कि कोई पढ़ना चाहेगा आपके जैसा, ठीक है। तो फटाफट कर लीजिए कॉपी, अब हम कुछ और उदाहरण सिखाते हैं दोस्त, आइए अब हम कुछ और उदाहरण सीखते हैं, वो गजब का होगा, वो भी टाइप वन में ही है बट कुछ अलग उदाहरण होगा। देखिएगा क्या हमने लिखा, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x देन फाइंड dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, यानी मेरे को दे रखा है दोस्त जो साइन इनवर्स है वो साइन इनवर्स इंटू साइन x वो इक्वल है y क्या, तो मेरे को dy by dx निकालना है। तो सिंपल पहले एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं और फिर उससे पहले एक बात, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x, फिर यहाँ पर एक बात लिखेंगे सिंस साइन इनवर्स साइन x इक्वल होता है x के, वी नो वेरी वेल, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में इस बात को बताया है पूरे डिटेल से, फॉर्मूला पूरा लिखवाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि इस वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इन सारे फॉर्मूलों का यूज़ है। तो अब देखिएगा आगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, इज इट क्लियर। आप लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हमारा क्या हो जाएगा dy by dx, d और ये x by dx, क्योंकि नीचे तो dx लिखना ही लिखना है, इसलिए फाइनल जवाब रहा आपका dy by dx इज इक्वल टू 1। दोस्त मेरे ख्याल से नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देता हूँ नीचे मैंने लिखा है dx। समझ आया तो बोलिए, अगर समझ आ गया तो हम और एक इस टाइप पर क्वेश्चन कर लेते हैं और बाकी के सवाल कुछ और नया सीखेंगे। अभी तब तक इतना फटाफट एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस टाइप पर आधारित, फटाफट कर लेते हैं। मैंने लिख लिया इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, देन फाइंड dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, मेरे को ये करना है फाइंड आउट। ओके, तो सबसे पहला सवाल दोस्त हमारा आपसे रहेगा कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x जैसे है वैसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा यस सर लिख सकते हैं। फिर एक बात लिखेंगे, वी नो दैट tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, ये बात मैंने आपको सिखा रखा है, इसलिए हम लिखेंगे y जो है इतना के जगह पर इतना रिप्लेस कर देंगे यानी कि हो जाएगा x। कोई दिक्कत है लाइफ में? नहीं है। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू dx और नीचे भी dx। इस प्रकार हमारा फाइनल जवाब रहा, इसलिए dy by जो dx है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो इस प्रकार से आप समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे, अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में फिर से एक नए जुनून और जज्बा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।